खड़े थे चार ये दो मोटरसाइकिल आई और मुझे मुझसे पूछा कि कौन का मकान थी अच्छे नाम था मैंने नाम भूलवा पे आलू भैया वो तो नहीं थे यहाँ पे अजब सिंह वो तो नहीं थे यहाँ पे तो कि बच्चे छुड़का लो इससे जो दारू पी नहीं कि बच्चे छुड़का लो इससे बच्ची छुड़का चिंट गए मुझसे बच्ची छुड़का कर ले बस कितने लोग थे भाई साहब चार लोग तो आप लोग आप पहचानते थे पहले या नहीं किसी और ने पहचाना पहचानते थे बस हमारी मिसेस भी आ गई थी वहीं पे और भाई पहचानते हैं और क्या बोलते हुए ले गए क्या बोल रहे थे कुछ आपको याद हो कुछ नहीं बोला मुझसे और बच्ची छुड़का के मुझे चिंट गए ले गए मारपीट भी की थी चिंट गए मुझसे पटक लूंगे एक ने बच्ची छुड़का ली तो लगभग चार पांच घंटे बच्ची आपसे दूर रही तो क्या दिमाग में चल रहा था कैसी क्या स्थिति थी आपकी स्थिति का हो गया गंभीर बच्ची भी हाथ में आ गई तो फिर क्यों ऐसी घटना नहीं भी थी कभी तो ऐसा बता रहा है पहले ही आप लोग यहाँ काम किया करते थे आपके खेत वेत पे ये लोग काम करते थे इनमें से कुछ पहले काम करते थे खेत बढ़िया मटिया हिल थी तब भी ऐसा कुछ लगता था कि इस तरीके का ये लोग कुछ कर सकते हैं या नहीं मैं वहाँ जाता ही ना था बेटे के साथ अपनी घटना हुई थी मेरे पिताजी बाहर लेकर घूम रहे थे जी मेरे पिताजी नाम है श्री बलराम रघुवंशी ठीक है जो बच्ची को बाहर लेकर टहल रहे थे मकान से 50-60-70 की दूरी पे पास में जी तो चार लोग आए और बच्ची को पापा जी से छीन ले गए उनमें से अपनी पहचान भी हो गई लड़के एक दो व्यक्तियों की उसमें पहचान भी लिए गए उन लड़कों के नाम है कल्याण है और उसका लड़का है सोनू और एक पवन मील है ये तीन लड़कों की अपनी पहचान हो गई है तो ऐसा बताया जा रहा है कि आपके खेत पे ये लोग काम करते थे इस दौरान जी आज से 3 साल पहले अपने खेत पे काम करते थे इस बात से ये कल्याण करता था 1-1.5 साल पहले काम और जो बंसी लड़का था वो करता था अपने 2-3 साल पहले कार अब इनके मन में क्या चीज़ आई क्या नहीं आई इसका और उससे मुझसे प्रोथी भी मांगी गई है ना और टीआई साहब प्रोथी भी मांगी गई है ऐसा नहीं है कॉल भी आया था 14 लाख की प्रोथी मांगेंगे ब्याग बच्ची वापस करेंगे किसका कॉल आया था जी नहीं का आया था नाम नहीं बताया नॉर्मल कॉल था व्हाट्सएप था या कैसे नहीं नॉर्मल कॉल था क्या बोले 14 लाख रुपये दीजिए जब जाकर हम आपके बच्ची वापस अवृत करेंगे जी पर मैं ये चाहता हूँ इन पर सख्त कार्रवाई की जाए कल की तारीख में मेरे घर वालों या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पे कोई भी मुसीबत आती है इन लोगों के थ्रू कोई भी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी इस पर अंतर कार्रवाई नहीं की गई तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ सभी लोगों से इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि मैं भी अकेले जहाँ रहता हूँ मेरा बड़ा भाई भी अकेले रहते हैं बाहर रहते हैं बच्चे मेरा वहाँ पढ़ता है वो नाम है यहाँ भी है बच्ची मिल गई ना अभी तो बच्ची अभी मिल गई है ना मेरे पास ही है बच्ची ये बच्ची अपने दादा के साथ में उनके साथ दादा उसको लेके गोदी में लेके टहल रहे थे अपने घर के सामने तो उसी वक्त चार लोग दो अलग अलग मोटरसाइकिल से आए और उस बच्ची को वहाँ से उनके हाथ से छुड़ा के ले गए हैं और फिर बाद में उनके द्वारा जब बताया गया कि यहाँ पे थाने पे सूचना दी गई जिस पर से टीम को बनाकर टीम गठित करके टीम रवाना की गई है जिस पर से उनके ऊपर प्रेशर पड़ने से उन्होंने ककरुआ सरपंच से संपर्क करके बच्ची को उनके द्वारा हमें सपोर्ट किया गया जो बच्ची सकुशल उनके माता पिता को सपोर्ट की गई है और अभी इसमें कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा कुछ फिरौती मांगने का भी सर भी जानकारी आई थी क्या था? जी आई है जो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है आरोपी परिचित है क्या परिवार अभी उनसे बातचीत करके रिपोर्ट फोड़ी है वो पूरा एड्रेस और सारी चीजें खुलासा करेंगे उसके बाद उसको नाम दे कितने घंटे में बच्ची बरामद करी है ये लगभग 4 घंटे के अंदर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद।